भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता और केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आपको संबोधित करेंगी। बगल में हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी। मेरा सादर अनुरोध है निर्मला जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार, आज का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण के पूरे विवरण में आपके सामने रखना चाहती हूँ। अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके बोल रही हूँ, इसीलिए थोड़ा विस्तार से बोलना पड़ेगा और मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने विषय रखती हूँ। इसमें मेरे समझ में, मेरे सुविधा के लिए मैं तीन कंपार्टमेंट्स में डाल रही हूं। पहले शुरुआत में ही अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसे कार्यकारिणी है जो पहला है इन द एब्सेंस ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसको जिक्र की। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर के आज तक एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हो रही है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत के बाद, उस विषय को जिक्र करते हुए विस्तार से शुरुआत में ही ये मान करके कि जितने भी बोलू वो कम होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पार्टी। इम्पॉसिबल टू स्पीक, ऐसे वो कहा कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में मेरे पास इतना शब्द भी नहीं है जो एडिक्वेटली उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का विस्तार से विवरण कर पाएगा। और उनके देहांत से भारतीय राजनीति में एक ऐसे वॉइड, रिक्त का वर्ड उपयोग किए उन्होंने, ए वॉइड अभी हो गया है जिसको भरपाई करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। भारत रत्न है, मल्टीफेसेटेड फेसेटेड पर्सनालिटी है और कवि और जर्नलिस्ट भी है और ऊपर से अजात शत्रु रहे और पांच दशक में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पार्लियामेंट में हर विषय के ऊपर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, इसको और एक प्योर नेशनलिस्ट के रूप में पार्लियामेंट में उनके रोल रहा और इतना स्पष्टता से हर एक नेशनलिस्ट उनसे आइडेंटिफाई कर पाते थे, उसके कारण तब की सरकार उनको यूएन में भारत के पक्ष रखने के लिए भेजे थे और उस गरिमा पद को अच्छा निभाए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और उसके अलावा उसके बाद भी जब वो विदेश मंत्री के नाते यूएन में पहुंचे, पहले बार यूएन में हिंदी में भाषण उनके क्रेडिट में जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जब वो प्रधानमंत्री बने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिससे आज भी गवर्नेंस में अच्छे प्रभाव हो रहा है। उसमें से जिक्र करने लायक विषय जो अध्यक्ष जी ने बोले वो था कि कैबिनेट का साइज रेस्ट्रिक्ट करने वाले डिसीजन उनका ही था और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में पॉलिसी वगैरह हम बात करते रहे हैं, लुक ईस्ट बोलते हैं, एक्ट ईस्ट करते हैं अभी, मगर डोनेर मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए एक मंत्रालय अगर एक बना वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे बना, थ्री नया राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट हुई झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का, और जहां अभी तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका श्रेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही देना है। और ये भी है कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग से एक मंत्रालय अगर बना वो भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पोखरण में सेकेंड टाइम भारत के न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन अगर हुआ वो भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर हुआ। और ये सब
कैसे उस हद तक पार्टी पहुंचे जब दो सिर्फ दो लोग जीत कर आए पार्टी में पार्लियामेंट में, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी खुद हार गए थे उस समय, मगर उसके बाद अटल अडवाणी जी के कॉम्बिनेशन पार्टी को सरकार बनाने के हद तक ले आए, उनका खड़ी मेहनत की वजह से ही एनडीए वन का सरकार बना। ऐसे पूरे अटल जी का श्रेय के विषय बहुत सारे अध्यक्ष जी ने शुरू किया। दिस इज माय फर्स्ट बाग अटल जी का। आज अध्यक्ष जी का भाषण को अगर मैं कंपार्टमेंटलाइज करके आपके सामने पेश करना चाहिए तो ये पहले बाग है, प्रियम्बल था कि डेडिकेशन फॉर अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पूरे आपके सामने। फिर आज के विषय बात करने की शुरुआत में ही केरल के बाढ़ के ऊपर बहुत ही विस्तार से अध्यक्ष जी ने बोले, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें लगे रहना चाहिए, तब भी लगे रहे और रिलीफ वर्क में एक्टिविटी बहुत सारे हमारे तरफ से हुई, उसका भी जिक्र किए। ये बात भी बोले कि चार ट्रेन फुल का रिलीफ मटेरियल हमारी तरफ से कलेक्ट करके केरल तक पहुंचाया, वो विषय उन्होंने जिक्र किया है। और अभी भी पार्टी के कार्यकर्ता सबको आदेश दिया है कि आप जो इससे जुड़ना चाहिए और केरल के बाढ़ के विषय में एक्टिव रहना चाहिए, केरल का पुनरुत्थान के लिए हम सब कंट्रीब्यूट करना है, सेंसिटिव रहना चाहिए इस विषय में, और उस आपात जो हुआ उसके लिए हम आज भी सेंसिटिव है, पार्टी उसके लिए फील करता है, ये बात उनसे कहना गया। फिर पिछले बार नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद समय पर नहीं हुई, देरी से हुई, मगर उस बीच में बहुत सारे चुनाव भी हुए, हर एक चुनाव में हम जीत कर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर चुनाव में जीत कर आ रहे हैं, जहां त्रिपुरा में 3/4 मेजोरिटी में जीत कर आ रहे, कर्नाटका में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के स्टेचर मिला हमें, और आज 70% भूभाग में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 19 स्टेट्स में हमारी फुल मेजोरिटी का सरकार चल रही है, इसको भी जिक्र किए, और इससे हम गर्व होना चाहिए। फिर भी हमारी कार्य शैली में एक भी वी कैन नॉट बी रिलैक्सिंग, वी हैव टू वर्क हार्ड, मगर इन सब के बावजूद भी ऑपोजिशन उनके फ्रस्ट्रेशन को पार्लियामेंट में भी दिखाने के लिए कोशिश की। अध्यक्ष जी का ये कहना था कि अगर इस सेशन जो खत्म अभी रिसेंटली हुई, इस सेशन में कभी भी इस सेशन में मैं आती हूं एक मिनट, कभी भी एक सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन ले आना है, कम से कम दो में एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक है सरकार उनके बहुमत को खो बैठे हैं, if you've lost your majority then an opposition can ask for no confidence, or the second condition, if not you have become a matter of worry for public, lots of agitations, lots of protests, janta mein man mein dukh, isiliye bahut sare protests ho rahe hai, isse ye dono mein ek condition bhi abhi not reality, मेजॉरिटी बरकरार है, जनता में ऐसे कुछ आक्रोश भी नहीं, फिर भी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी का कहने पर तुरंत सत्ता पक्ष की पार्टी एक्सेप्ट की, हां चलने दो, देखते हैं क्या होता है, वी वर कॉन्फिडेंट, इसीलिए पार्लियामेंट में उसको बिना सोच हेसिटेशन संकोच के बिना तुरंत एक्सेप्ट भी किए, और जब जीते नो कॉन्फिडेंस मोशन को, मतलब नो कॉन्फिडेंस को हराया, एकदम क्लियर मेजॉरिटी के साथ हराया, और जब हराने के कगार में ऑपोजिशन पार्टीज आए, तब तक बोलते थे कि हाँ हाँ नो कॉन्फिडेंस का मोशन चलना चाहिए, और इसके बारे में बात करने के समय नंबर्स के साथ जीतने के बाद वो बोलने लगे इन अ डिनायल मूड, वी हैव नेवर डिस्प्यूटेड दैट यू हैव द नंबर्स,
We did not speak about the numbers. ये कहा opposition में, जनता के responsible opposition party में no confidence motion का condition जब नहीं रहे, फिर भी ले आए और उसको तुरंत सत्ता पक्ष ने accept करके no confidence भी चढ़ाए, जीत कर number में होती अच्छा बहुमत के साथ जीतने के बाद opposition ने denial mode पर आकर के ये बात बोले कि when did we ask, when did we say that you don't have the numbers? इससे opposition का disruptionist politics समझ में आता है, genuinely opposition people का voice को लेकर के parliament में जा रहा, ऐसे तो नहीं लग रहा, ये अध्यक्ष जी का कहना था। अगर opposition ऐसा है, आज महागठबंधन के बारे में बात करते हैं, उसको अध्यक्ष जी ने क्लियरली दो तीन शब्द में क्लियरली वर्णन किया, उसको ढकोसला बोले, भ्रांति बोले, और ये पूरे झूठे विषयों के आधारित है, इसे भी वर्णन किया महागठबंधन को, ढकोसला, भ्रांति और नॉट ढकोसला आई वॉश और फॉल्सहुड, ढकोसला आई हैव ऑल्सो लुक्ड इनटू द डिक्शनरी बिफोर आई केम हियर, सो और ये भी सच है कि यही बात पार्टी, सॉरी भ्रांति इज मिराज और इल्यूजन, ढकोसला, भ्रांति, फॉल्सहुड बेस्ड ऑन फॉल्सहुड एंड झूठ आधारित। और ये भी बोले कि इन महागठबंधन में जो भी पार्टियां आ रहे हैं उन हर एक के साथ बीजेपी लड़ करके जीत कर भी आए 2014 के बाद भी, सो ऐसे एक पार्टी भी नहीं है उसमें जिसके साथ बीजेपी का आमना सामना नहीं हुई और हम उससे भी जीत कर निकले, इसीलिए महागठबंधन इज नथिंग विच इज गोइंग टू बी मेकिंग अ डिफरेंस। और सभी कार्यकर्ताओं को ये भी आदेश दिए कि ये महागठबंधन का झूठ को जनता के सामने रखना चाहिए, स्पष्ट जाना चाहिए ये मैसेज कि महागठबंधन इतना फॉल्स आधारित, झूठ आधारित गठबंधन है जिसे हमें कुछ ये नहीं है, परवाह नहीं है। और द सेकेंड कंपार्टमेंट इन टू विच आई वॉन्ट टू पुट द स्पीच इज 2014 से 2019 तक का, अनदर 6 or 8 months टू गो, सरकार के द्वारा जो अच्छा काम हुआ है वो सब जनता के सामने हम लेकर जाना, हर गांव तक पहुंचना, और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय 10-15 विषयों को सीधा विवरण के साथ अध्यक्ष जी ने रेफर किए, भाषण दिए, उसमें पहले शुरुआत में ही बोले लागत से 1.5 गुना किसानों का, जो 60 साल से किसान का मांग थी उसका फुलफिल करने वाली सरकार ये है, लागत से 1.5 गुना किसान के लिए बेनिफिट देने वाले। फिर आयुष्मान भारत को रेफरेंस किए जिसमें 50 करोड़ पॉपुलेशन, 10 करोड़ परिवार, उन हर एक को 5 लाख तक जो भी मेडिकल सुविधा पहुंचाना है वो पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत एक अच्छा सा बीमा योजना है जिसमें गरीब का, आज ये इतने स्पष्ट भी बोले अध्यक्ष जी ने, एक सुपुत्र उनके गरीब पिताजी या माताजी का मेडिकल फैसिलिटी ना देने के कारण, क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं है, ना देने के कारण उनका मृत्यु देखने का दुरावसर नहीं होगा, ऐसे एक आयुष्मान भारत स्कीम के रेफरेंस दिए अध्यक्ष जी ने। फिर तीसरे विषय बोले इसी श्रृंखला में, 1955 से काका साहेब कालेकर के समय रिकमेंडेशन के बावजूद भी बीसी कमीशन का किसी भी सरकार आगे बढ़ाया नहीं है, हम बीसी के वेलफेयर के लिए वो किया, वो तीसरी पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने का वो स्टेप। फिर चौथे पॉइंट इसी श्रृंखला में बोले इकोनॉमिक के बारे में, आज फ्रांस को भी पीछे रख करके
आगे बढ़ रही है भारत देश, जो सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के रैंक पर पहुंच गया सूनर, इवन यूके को हम पीछे रखेंगे, ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे तेजी गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, मैं आपके सुविधा के लिए पॉइंट बोल रही हूँ, अध्यक्ष जी ऐसे नहीं बोले, मगर आई थॉट आई शुड गिव इट स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर आई एम सेइंग इट लाइक दैट। ही देन रेफर्ड टू द पुअर, द ओबीसी, विमेन, युवा, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज बीन टच्ड विद वन और द अदर स्कीम। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपने जनधन से लेकर के आधार कार्ड आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर के आगे बढ़ते हुए आज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो लॉन्च हुआ, जिससे हर एक का कुछ ना कुछ उनके अकाउंट का फॉर्मलाइज्ड एक्सपेंशन होगा, उसका जिक्र किए। फिर सेवेंथ पॉइंट, यूरिया सप्लाई किसानों के लिए, जो अभी पेस्टिसाइड्स का आवश्यकता कम करते हुए माइक्रो फर्टिलाइजर्स का पहुंचाना, सॉइल हेल्थ कार्ड देना, इरिगेशन, प्रधानमंत्री इरिगेशन सिंचाई योजना के साथ जाना। फिर लाखों करोड़ों को फार्मर्स का आज ई मंडी के द्वारा उनके प्रोड्यूस को अच्छा दर मिल रहा, फसल बीमा योजना, ये सब को जिक्र करते हुए किसानों के विषय बोले हैं। फिर इकोनॉमी का सुधार के विषयों को लेकर के 3 लाख बोगस कंपनी का डिलीट करवाया, जिससे ब्लैक मनी का एक्सपेंशन का रोक लगाया हुआ है। फिर इनकम टैक्स रिटर्निंग्स का नंबर्स में देख लीजिए, 2 गुना बढ़ोतरी हुई, और एसएससीज का नंबर और जीएसटी के कारण भी इसमें इंपैक्ट पड़ा है वो आया। इस संदर्भ में एक विषय तो मैं जरूर कहना चाह रही हूं कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को अध्यक्ष जी ने बोले कि आप चैलेंज करना चाहिए, आपके हाथ में फैक्स रखते हुए पी चिदंबरम और कंपनी को, पी चिदंबरम एंड कंपनी को चैलेंज करो, कहना चाहता हूं यही अध्यक्ष जी ने बोले कि एनी वर्कर ऑफ द पार्टी शुड चैलेंज पी चिदंबरम एंड कंपनी विद फैक्ट्स इन योर हैंड टू कम फॉर अ डिबेट, बट कम फॉर अ डिबेट ओनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये आदेश दिया अध्यक्ष जी ने, टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, on talking about how income tax assesses have increased, talking about the betterment on the GDP, talking about how the GST has helped in improving economy and so on. Is sandarbh mein he said that. Then he also referred to the point that government e-market dwara 11,000 crore ka purchases government of India ne kiya hai g-market जेम के द्वारा, ग्लोब गवर्नमेंट ई परचेसेस ई मार्केट के द्वारा, विच अदरवाइज वुड हैव बीन बॉट एट 33,000 crores। सो दैट इज द सेविंग विच जेम, विच इज अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, हैज ब्रॉट इन। ये स्पष्टता के साथ बोले। फिर स्वराज अभियान जो हमने किया उसको जिक्र करते हुए बोले, दूर दराज के इलाके में जो गांव है, जो महिला है, जो बच्चे नया पैदा होते हैं, उनको टीकाकरण, महिला का पोषण और घर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ के लिए एक फोकस्ड तरीके में जो ग्राम स्वराज अभियान को हम लेकर गए, उसके कारण आज 126, वो 7 प्रोग्राम सी था, फिर भी ये गांव, गरीब, मजदूर सबको पहुंचाने में 126 स्कीम्स को आज सरकार 50 करोड़ लोग तक सभी अभियानों के द्वारा पहुंचा रहे। ये बहुत ही पहले बार इस देश में 60 साल में ऐसे अभियान के द्वारा दूर दराज इलाके तक पहुंचने वाले अटेम्प्ट हुआ है। फिर ये ही है अध्यक्ष का कहना, ये था, यही है सच कहानी ऑफ अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोग्राम का डिजाइन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। यही है स्वच्छ स्वराज अभियान के द्वारा कहानी, जो अगर बोलना है वो अंत्योदय की कहानी है। इसीलिए कार्यकर्ता सब उन गांवों में जाकर के दिवाली मना सकते हैं उन लोगों के साथ कि ये पहुंच के आपके साथ हम आपके लिए कटिबद्ध हैं। फिर इंटरनेशनल स्तर पर क्या क्या हमें पहुंचा है, इंटरनेशनल सोलर अरेन्ज पैरिस में, और प्रधानमंत्री जी का
मेन मीटिंग ऑफ दावोस में बुला करके उनसे सुने लोग क्या डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। ये सब प्रधानमंत्री जी के परिश्रम के कारण हो रहा है। अगर भारत देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे मेक इन इंडिया स्कीम एंड ऑल्सो मेक इन इंडिया का प्रयत्न सभी तरफ से हो रही है, इसका कॉन्ट्रास्ट में कांग्रेस पार्टी ने ब्रेक इन इंडिया कर रही, ये अध्यक्ष जी का कहना था। एक तरफ से इतने सारे अभियान के द्वारा मेक इन इंडिया स्कीम सिर्फ मात्र नहीं है, गांव तक पहुंच करके इंडिया को बनाने वाले काम में अगर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, मेकिंग इंडिया अगर हमारे तरफ से चल रही है, ब्रेकिंग इंडिया चल रही है कांग्रेस की तरफ से। ये है कांग्रेस। कांग्रेस आजकल आइडेंटिफाई करती है उनके अपने आप को ब्रेकिंग ग्रुप के साथ, ये विषय अध्यक्ष जी ने बोले। फिर मुख्यतः असम के चुनाव के बाद हम एनआरसी के विषय में पुरजोर स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, मगर ये नया बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि स्थापना के बाद 9 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में असम के एनआरसी के ऊपर हुआ है। ये नया बात नहीं है। 9 बार नेशनल एग्जीक्यूटिव में एनआरसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस है, इसीलिए हमने उसमें पूरी कटिबद्धता के साथ आगे लेकर गए। हर इस विषय में एक और नया घुसपैठी आने नहीं देंगे, इस कमिटमेंट के साथ एनआरसी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इसी मानसिकता के साथ ही अध्यक्ष जी का कहना था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को 2016 में हमने ले आए, उसको भी हम पारित करें, और इसका कारण भी यही था कि हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं और अफगानिस्तान हो, इसमें संकट में आए हुए बौद्ध, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, इन लोगों का अगर शरणार्थी भारत देश में पहुंचते हैं, उनको बिना संकोच हम आश्रय देना चाहिए। ये अध्यक्ष जी का बिल्कुल स्पष्टता से कहना है। इफ इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन बांग्लादेश हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और जैन रेफ्यूजीज अप्रोच इंडिया सीकिंग रेफ्यूज, विदाउट हेसिटेशन वी शुड गिव देम रेफ्यूज। ये इसको सीरियसली हम टेकअप करना चाहिए, ये था अध्यक्ष जी का कहना। और लास्ट टू इम्पोर्टेंट इन माई सेकेंड जो साइड ऑफ Mentioned in the citizenship amendment. Yeah, but what I've heard, I'm conveyed. Yeah. What I've heard, I've conveyed. Then on triple talaq, he has many very clearly said many Islamic countries have cleared it, and it's not an issue in those Islamic countries. But hither, Rajya Sabha mein, Congress ke हिपोक्रिटिकल रवैया से वो स्टकअप है, हम उसको पारित करना है और उसके ऊपर जोर दे। फिर अर्बन नक्सलाइट्स का विषय भी रेफर करते हुए बोले अध्यक्ष जी ने कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले कांग्रेस को इस विषय को उठा करके उसके ऊपर बात करते हैं। और अध्यक्ष जी ने महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं उनको सराहना की इस स्टेप के ऊपर, बधाई दी उनको। फिर लास्ट अंश जो तीसरी बॉक्स है मेरे अनुसार, उसमें आती हूं 2019 के चुनाव के लिए तैयारी के ऊपर बहुत बात कर की है अध्यक्ष जी ने, और उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, और अभी ये भी बोले कि नया तेलंगाना कभी जोड़ दिया। ये सभी चुनावों में हम एकदम अच्छा मेहनत करके हम दोबारा जीत कर आए जहां हमारी सरकार है, और जहां इस विषय को बोलने के समय 2019 का संदेश भी उसमें जोड़े कि जहां 19
प्रोविंस में हमारी सरकार है वहां तो बिल्कुल हम अच्छा सा नंबर लेकर के जीत कर आएंगे, और जहां बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना जैसे प्रांतों में हम सेकेंड प्लेस में हैं, एंटी इनकम्बेंसी कभी भी ये सेकेंड पोजीशन में जिनको है उनके बेनिफिट में चल जाता है। इसीलिए इन सभी तीनों जगह पर जहां हमारी पोजीशन सेकेंड है हम उधर भी जीत कर आएंगे। आंध्र प्रदेश को रेफरेंस करते हुए उन्होंने बोले अध्यक्ष जी ने, इधर परीक्षा अभी तक नहीं हुई इसीलिए सेकेंड का डिस्कशन नहीं है, फिर भी आंध्र में भी हम अच्छा सा करेंगे हमारे काम। तमिलनाडु को भी उसी स्थान पर रख के बात की, और इस दौरान बात में मिजोरम जैसे जगह पर 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ पब्लिक मीटिंग नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता 10,000 कार्यकर्ता के साथ सम्मेलन होने वाले हैं। इससे स्पष्टता से हमें मालूम है कि हम अच्छा सा स्ट्रांग पोजीशन में हैं। उसमें दो तीन विषय क्लियरली बोले कि हमारी सरकार के सुगंध सभी जगह पर फैले हैं और हमारी नेतृत्व के करिश्मा भी ऐसा है, ये दोनों हमें 2019 चुनाव में आगे ले जाने के लिए हमारे उपयोग में रहेंगे। और आदेश दिए कार्यकर्ताओं को 2019 के चुनाव में आवर अप्रोच शुड बी 2014 से 19 तक हमने क्या क्या अच्छा काम किया उसके ऊपर बात करने के लिए सबको ले आना है पब्लिक में, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर हमारे बात होना है 2019 में। और इसका बेस रखते हुए अध्यक्ष जी ने जिक्र किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहले बोलते थे कि संगठन को आधार रखते हुए चुनाव लड़ना चाहिए, संगठन का आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसको 19 में हम सबको नजरिया देंगे कि संगठन के आधार में ही जैसे 2014 में हुआ संगठन के आधार में आगे बढ़ेंगे हम। और बहुत सारे कार्यक्रम अब से शुरू होगा जिसका विवरण कल संगठन महामंत्री रामलाल जी के उनके भाषण के बाद आएगा, मगर मैं जेंटली उसको टच करती हूँ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के 150th ईयर सेलिब्रेशन करेंगे, शौर्य दिवस होगा टू मार्क सर्जिकल स्ट्राइक, फिर 31st को अक्टूबर को एकता दिवस मनाएंगे सरदार पटेल के याद में, फिर कार्यांजलि भी होगी एक पूरे सप्ताह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक महीना उनका देहांत के बाद। 17 सितंबर से 25 सितंबर एज ऑलवेज सेवा दिवस के संदर्भ में सेवा पूरे सप्ताह में हम करेंगे, ये सब बहुत सारे एक्टिविटी होगा। फिर लास्ट में अध्यक्ष जी ये भी रेफर किए कि लोकसभा चुनाव के वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का काम भी चल रही है बहुत सारी जगह पे, उस पे ध्यान देने के लिए अध्यक्ष जी सभी वर्कर्स को भूले। और संगठनात्मक दृष्टि से तीन विषय को याद दिलाया जो ऑन गोइंग है कि बिल्डिंग ऑफ पार्टी ऑफिस, लाइब्रेरी एंड ऑल्सो जिला कार्यालय को मॉडर्नाइज करने के लिए जो होना चाहिए वो भी होना है। आखिर में वो बिल्कुल एकदम अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ बोले, हम 2019 चुनाव में अच्छे मजबूत नंबर के साथ वापस गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बिगर देन 2014 मेजॉरिटी के साथ जीत कर आएंगे। ये था अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह के भाषण। एक सवाल, कोई आप लोगों का प्रश्न? देवेंद्र पड़ा सर, इसमें सॉरी एक विषय में जोड़ना भूल गए, रिमोटली ऑफ कोर्स ही रेफर्ड टू द कमेंट मेड बाय प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके पार्टी को फॉलो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड्स इस पार्टी, दैट्स द डिफरेंस। बोले देवेंद्र, देवेंद्र मैम
اپوزیشن بہت سارے آروپ لگا رہا ہے جس طرح پہ موٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں کیا ان سارے مسئلوں پہ بھی راشٹریہ ادھیکش کے ساتھ کچھ آ گیا وکاس بند ہو گیا نہیں بے بنیاد آروپ ڈال رہے ہیں وہ مہا گٹھ بندھن کے بات کرتے ہوئے وہ بات ادھیکش نے بار بار بولے کہ ایس سی ایس ٹی کا وشے میں آروپ ڈال رہے ہیں جہاں ہم اچھا سا وہ پنچامرت کا کام کر رہے ہیں امبیڈکر جی کا ہر ستھل کو پنروتھان کر رہے ہیں ایک منٹ لکھیرا جی وکاس بھدوریا ایک تو ایس ایس ٹی والا تو ہو گیا دوسرا پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کو لے کر سرکار کا بہت زیادہ سرکار کی آلوچنا ہو رہی ہے اس سے سرکار پچھلے دو تین سالوں سے ڈیزل میں ناکام رہی ہے جبکہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور دوسرا سورن آندولن چل رہا ہے اس میں راجستھان اور مدھیہ پردیش میں استھتی بہت زیادہ نازک ہے جن پرتنیدھیوں کو گھیر کر پوچھا جا رہا ہے کہ ایس سی ایس ٹی بل جو پاس ہوا ہے وہ آخر آپ نے کیوں پاس ہونے دیا تو ان سب سے کیسے ابھرے گی پارٹی کیا اس بارے میں کچھ بتایا ادھیکش نے نہیں اسپیسیفکلی اس وشے میں کچھ نہیں بتایا ایک منٹ متروں میرا آگرہ ہے माननीय निर्मला जी ने आपको पूरे भाषण की जितनी विशद चर्चा होनी चाहिए थी सारी विषयों को बता दिया गया है इसलिए हमको लगता है कि इसे इतर कोई विषय होगा तो हम लगातार दो दिनों तक बैठे हैं हम जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे बहुत बहुत धन्यवाद